हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हो। तो आज हम आपके लिए न्यू गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आए हो। सो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, आपका जो इनकम टैक्स के द्वारा फिर से आपका जो न्यू रिक्रूटमेंट आपका जारी हो गया। सो उसी के बारे में आप लोगों को मैं फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों में इस वीडियो के द्वारा शेयर कर दूंगा। सो आपसे प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो स्टार्ट कर एंड तक वीडियो को देखिए। सब बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों में इस वीडियो द्वारा शेयर करता हूँ। तो प्लीज चैनल को जरूर प्लीज आपको सपोर्ट करना, वीडियो को जरूर शेयर करना। जो हमारे चैनल में न्यू व्यूअर्स है उन लोगों में एक ही चीज बोलूंगा, सो आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा कुछ जो स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह आप लोग खरीदना हो आप लोग घर बैठे खरीद सकते हो। तो ऐसा मैं पर सोच के लिया हूँ आप लोगों को। हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, उस चैनल पर जाके आपका जो कम्युनिटी पेज है उसमें जाके आप लोगों हर एक गवर्नमेंट बुक्स का लिंक सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। उस लिंक पे जाके आप लोग सर्च करके आप बुक्स वगैरह खरीद भी सकते हो। तो आप लोगों को चेपेस्ट प्राइस में और अच्छी क्वालिटी चीज बुक्स वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा। राकेश यादव से लेकर आप लोगों को बहुत ज्यादा आप लोगों को बुक्स वगैरह मिल जाएगा। तो आप लोग घर बैठे आप लोग खरीद भी सकते हो, ऑनलाइन के ऑर्डर कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। आप लोगों को नहीं पसंद है आप सीधा रिटर्न भी कर सकते हो, उसके भी पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। तो प्लीज ध्यान से सुनिए और आप लोगों की मर्जी, आप लोग जहाँ भी खरीदे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोगों को तो आप लोग खरीदना ही होगा, बाहर से हो आप लोगों को जहाँ पर भी हो। ठीक है, तो आप लोग पसंद है आप लोगों से खरीद सकते हो, सो आपकी मर्जी हो। तो चलते हो पर वीडियो में। सो आप लोगों को यहाँ पर देख ही सकते हैं आपका जो इनकम टैक्स के द्वारा फिर से आपका जो न्यू रिक्रूटमेंट आपका जारी हो गया। सो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं आपका जो इनकम टैक्स कर्नाटक एंड गोवा रीजन से आपका इन्वाइट कर चुका है। सो यहाँ पर आपका स्पोर्ट्स कोटा के अंदर आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी हो गया है। जो आपका इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, टैक्स असिस्टेंट एंड आपका मल्टी टास्किंग स्टाफ के द्वारा आपको इन तीन वेरियस पद पर आपका न्यू रिक्रूटमेंट आपका जारी हो गया है। चलिए आते हैं। सब पहले आपका जो नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो गया आपको 6 फरवरी को स्टार्ट हो गया है, और अप्लाई का भी स्टार्ट आपका हो गया है। ऑनलाइन में अप्लाई का आपको सबका 6 फरवरी से आपको स्टार्ट हो गया है, और 24 जो आपको मार्च आपका लास्ट डे अप्लाई करने का। सो प्लीज ध्यान से सुनिए, जो एप्लीकेबल है सिंगल का भी सबमिशन आपको कर्नाटक, गोवा रीजन, बेंगलुरु, सिर्फ इन्हीं तीन जगह से आपको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो सैलरी में आता है जो इंस्पेक्टर है इनकम टैक्स का, इसमें आपको 10 वैकेंसी मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को पे स्केल 7 आपको सैलरी मिल जाएगा, जो आपका अच्छी खासी सैलरी आपको होगा। ठीक है, दूसरा टैक्स असिस्टेंट, इसमें उनको 32 वैकेंसी मिल जाएगी। इसमें उनको पे स्केल 4 सैलरी मिल जाएगा। जो है मल्टी टास्किंग स्टाफ, इसमें भी उनको 29 आपको पोस्ट वगैरह मिल जाएगा वैकेंसी। इसमें पे स्केल 1 सैलरी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो आता है आपको जो इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया दे, स्पोर्ट्स कोटा के अंडर आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको ऊपर हो जाएगा। चलिए, पर सो ऑर्डर प्रेफरेंस भी दे दिया, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस को कंट्री इधर हुआ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन क्लियरेंस डिपार्टमेंट यूथ अफेयर स्पोर्ट्स, सेकेंड आपका स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सीनियर एंड जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइजेशन का जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, डिपार्टमेंट यूथ अफेयर स्पोर्ट्स एंड नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से आप लोगों को 2 विन मेडल आपको पोजीशन अप टू थर्ड प्लेस बिटवीन द कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट सीनियर एंड जूनियर नेशनल चैंपियनशिप गेम्स हैव बीन पार्टिसिपेट विन मेडल सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, तो भी आपका होगा। तीसरा प्रेफर, तीसरा भी आप देख सकते हो, इंजो यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन को एसोसिएशन इंडियन यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स वगैरह भाग लेना होगा। इसमें हमको विन होना होगा, प्लेस तो आपको थर्ड फर्स्ट को होना पड़ता है फाइनल में। दूसरा है आपका फोर्थ प्रेफरेंस में आपको जो स्टेट स्कूल नेशनल स्पोर्ट्स गेम कॉन्ट बाई ऑल इंडिया स्कूल गेम फेडरेशन, इसमें आपको विन होना होगा फर्स्ट से थर्ड में। फिफ्थ प्रेफरेंस है आपको जो नेशनल अवार्ड फिजिकल एफिशिएंसी अंडर नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव में, तो वो आपको लास्ट में आपको सिक्स प्रेफरेंस आपको रिप्रेजेंट स्टेट यूनियन टेरिटरी यूनिवर्सिटी स्टेट स्कूल लेवल मेंशन कैटेगरी बी एंड डी कुड नॉट बी विन मेडल पोजीशन, सो ऑर्डर प्रेफरेंस। इसी करके आपको प्रेफरेंस होना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा, क्या क्या गेम्स वगैरह स्पोर्ट्स पे है आपको चले देखते हैं। पहले एथलेटिक है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी हो गया आपका, कबड्डी, स्विमिंग, टेबल टेनिस आपका हो गया, टेनिस हो गया, वॉलीबॉल, योगासना, पैरा स्पोर्ट जो होता है ओलंपिक एशियन गेम, तो उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।
जो लीज अथॉरिटीज जो है पर सिक्योर स्पोर्ट्स पर ओनली सर्टिफिकेट ऑथोराइज जो है गेम्स वगैरह इंटरनेशनल कंपटीशन आपका जो हो गया आपका जो नेशनल कंपटीशन होगा सेक्रेटरी नेशनल इंस्टीट्यूट जो करता है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट हो गया आपका ठीक है। वो जो नेशनल आपका जो स्पोर्ट्स गेम एंड फॉर स्कूल जो करता है जो आपका जॉइंट डेप्यूटी डायरेक्टर चार्ज देता है वो डायरेक्टर ऑफ एडिशन होता है। दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी डायरेक्टर सेक्रेटरी अदर ऑफिसर ओवरऑल चार्ज फिजिकल एफिशिएंसी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ से। तो एलिजिबल क्राइटेरिया भी आप देख ही सकते हैं। आज आते हैं आपका जो एज लिमिट पहला जो इंस्पेक्टर है इसमें आपको नॉट एक्सीड 30 इयर्स। आपको दूसरा है टैक्स असिस्टेंट बिटवीन 18 साल से 27 साल से बीच में एक एज क्राइटेरिया मिल जाएगा। एमटीएस का रहता है 28 साल से 25 साल से बीच में। तो एज डिडक्शन भी मिल जाएगा जो एस सी एस टी उनको 5 साल का अपर एज लिमिट उनको मिल जाएगा ठीक है। दूसरा आपको क्वालिफिकेशन में आते हैं जिनका इंस्पेक्टर रैंक इसमें उनको बैचलर डिग्री कंप्लीट करना होगा। जो टैक्स असिस्टेंट उसमें उनको बैचलर डिग्री टैक्स बैचलर डिग्री कंप्लीट करना होगा। रिगुलर किसी भी कोर्स में जाहिर कर उनको रेगुलर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट को होना पड़ता है। तीसरा है मल्टी स्टार इसमें सिर्फ 10 क्लास पास उनको होना पड़ता है। एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स भी देयर अचीवमेंट स्पोर्ट्स बाय चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स कर्नाटक दिस कॉल्ड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड अपीयर इन द एग्जामिनेशन। सेम आप एग्जामिनेशन भी दिया है जो आपको पहले पेपर पेपर वन में हो जाएगा। आपका रीजनिंग इंटेलिजेंस अवेयरनेस एप्टीट्यूड इंग्लिश एंड कंप्यूटर नॉलेज को टेस्ट वगैरह को ले जाएगा। 125 मार्क्स का क्वेश्चन वगैरह को मैं लिया जाएगा। सो पर जनरल अवेयरनेस स्पोर्ट्स पूरा स्पोर्ट्स पर दे दिया है। सो यहाँ पर आपको देख सकते हैं सिलेबस भी आपको मिल जाएगा पॉइंट सेक्शन आपको मिल जाएगा ठीक है। तो कैसे आपको अप्लाई करना होगा इसी वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। इसी में देखिए आपको एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ इस वैलिड आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को देना पड़ता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है आप लोगों को। सो आधार कार्ड पैन कार्ड प्रिंटर या आधार हो गया आपका वोटर आईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड सब कुछ आपको देना पड़ता है। सब कुछ तो नहीं मैं बोलूंगा बट जो कौन डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है एक सर्विस मैन डिस्टेंस बुक फॉर इशू बाय मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ठीक है। तो था आपका जो देख सकते हैं आपको प्रोपोजिशनल कंपलसरी टाइम ऑफ अलॉटमेंट भी दिया है भी आप लोग देख सकते हैं ठीक है। हाउ टू अप्लाई कैसे अप्लाई करना मैंने पहले को बोला है कैसे आपको अप्लाई करना होगा। तो उसी वेबसाइट में जाकर आपको वगैरह अप्लाई को कंप्लीट करना पड़ता है ठीक है। उसी वेबसाइट में जाकर आपको अप्लाई वगैरह जो भी होना और आप लोग ऑफलाइन में भी अगर अप्लाई कर सकते हैं। सो ये भी आप लोग देख सकते हो ऑफलाइन में। सो फॉर्म फिल करके आपको इसी एड्रेस में भेजना पड़ता है। जो ऑफलाइन में अप्लाई करेंगे और भी आप लोग ऐसे ऑफलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। आपका दो ही बार ऑप्शन रखे ऑनलाइन नहीं तो वो ऑफलाइन में ठीक है। ऑफलाइन में जो करेंगे उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन दे दिए आप लोग और ओनली वन एप्लीकेंट शुड सबमिट बाय द कैंडिडेट्स ठीक है। सो उसमें बड़े बड़े खाम में लिखना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट की पोस्ट के अप्लाई करना है और स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलते और क्या क्या डॉक्यूमेंट को देना पड़ता है आप लोगों को। सेल्फ रजिस्ट्रेशन में 10 का 12 का ग्रेजुएशन पोजिशन सर्टिफिकेट आप लोगों को स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आप लोगों को लेटेस्ट परफॉर्मेंस कास्ट सर्टिफिकेट कम्युनिटी एक सर्विसमैन तो पीडब्ल्यूडी एस सी एस टी जो होता है उनके लिए प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथोराइज होता है उनको देना पड़ता है। और लेटेस्ट आपको लेटेस्ट 2 आपको पासपोर्ट फोटोग्राफ को देना पड़ता है। और उसके बाद आता है आपका जो यहाँ पर आपका जो पेमेंट आता है इसमें आपको 100 रुपीज पेमेंट को देना पड़ता है अप्लाई के टाइम। दूसरा है आप लोगों को जो ओमेन होगा एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी एक्स सर्विस उनके लिए फ्री है और कुछ पैसों का नहीं देना पड़ता है। बाकी आप ऑनलाइन से पेमेंट कर सकते हैं। पोस्टल पे ऑर्डर के आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट भी आपको करना होगा आप लोगों को। दूसरा है आप लोगों को कुछ भी डाउट होते हैं इसी मेल से आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाके आप लोग कंप्लीट आपको कर सकते हैं इनका पूरा क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा ठीक है। चले थे दूसरा इंस्ट्रक्शन की तरफ से और भी कुछ इंस्ट्रक्शन है। सो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं आप लोग आपके पास काम आता है उसको फिल कर सकते हैं। सो आपका अगर फ्यूचर फॉर्मेट दे दिया है आप लोग इसको देख कर सकते हैं। सो जिन्होंने पर कौन सा स्पोर्ट्स से अप्लाई किया स्टेट पार्क एसोसिएशन हो गया आपका यूनिवर्सिटी हो गया आपका ठीक है। तो जब अप्लाई करेंगे उसी से तो फॉर्म को फिल आपको कंप्लीट करना पड़ता है। सारा सब कुछ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस पर जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।
और अप्लाई भी करना, कुछ भी डाउट हो तो इन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हमको पूरा रिप्लाई करना। तो चलते हैं, चलिए, जय हिंद, गुड बाय।